दोस्तों, जो लेटरल पाइलोट टेस्ट है ना, वो कैसे होता है? जैसे कि आपने जो अभी पिक्चर में जो देखा ना, उस टाइप की जो रहता है, उसमें क्या होता है कि आपका जैसे कि पाइल हेड होता है, ठीक है, जो पाइल हेड आपने बनाया होगा टेस्ट पाइल में, उसके साइड में एक जैक लगता है, हाइड्रोलिक जैक लगता है, ठीक है। उसे एक साइड में प्रेशर हम देते जाते हैं, ठीक है, हमारा जो लोड देना है उस टाइप के प्रेशर देते जाते हैं, हाइड्रोलिक जैक के प्रेशर के थ्रू आपका लोड देते हैं, कितने टन है उतने टन तक देते हैं, ठीक है। उसमें जैसे यहाँ पे टन में हमने जो दिया ना, यहाँ पे हमने 30 टन तक दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे टन जैसे बढ़ते जाएगा, तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जो आपका पाइल का जो डिस्प्लेस होगा ना, जैसे वो मूव होगा, डिफ्लेक्शन होगा, जो भी समझिएगा, वो डिस्प्लेसमेंट जो है वो भी बढ़ते जाएगा जैसे लोड बढ़ेगा, ठीक है। फिर वो क्या करेंगे, उस लोड का हम रिलीज करेंगे, ठीक है, तो वो भी जैसे कम होता जाएगा, कम होने के बाद, लेकिन वो पूरा जीरो नहीं होता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट रह जाता है। वो कितना रहता है, उसके 4 mm का कुछ लिमिटेशन भी है, क्या अलाउबल है, वो सब कुछ है, ठीक है। अभी वो सब कुछ देखते हैं, इस टाइप के वो ग्राफ बनता है उसके लिए, जो लेटरल लोड टेस्ट के लिए। बाकी अभी स्टेप बाय स्टेप जो रीडिंग सब कुछ देख लेते हैं एक मिनट। जैसे कि रीडिंग का फॉर्मेट ये इस टाइप की रहता है, ठीक है। अभी एक बार जैसे रीडिंग का फॉर्मेट क्या रहता है मैं बताता हूँ। जैसे इस टाइप में आपका एक टेबलर कॉलम बनना होता है, ठीक है। जैसे नेम ऑफ प्रोजेक्ट, पाइल नंबर और पाइल डायमीटर, पाइल का लेंथ क्या है और कंक्रीट ग्रेड क्या है, जैक का कैपेसिटी, जो एजेंसी रखे होंगे जो जैक है वो 50 टन का है, जैक एरिया क्या है 78.5 cm², और जो डायल केज रहता है ना, दो डायल केज लगता है, उसका जो लीस्ट काउंट है वो है 0.01 mm है, और डिजाइन लोड है हमारा 12 टन है, ठीक है। तो 12 टन का हम 2.5 टाइम्स जो है इसमें जो लोड देंगे, जैसे कि अगर आप 12 टन का देख सकते हैं, अगर 2.5 टाइम्स है 30 टन आएगा, तो हम 30 टन तक लोड देंगे, ठीक है। तो टेस्ट लोड जो है यहाँ पे 30 टन है, और ये डेट ऑफ पाइल कास्टिंग, कब ये पाइल कास्टिंग हुआ है, ठीक है, ये पेज नंबर 1 हमने लिख दिया, ठीक है। इस टाइप के रहेंगे यहाँ पे जो टेबलर कॉलम, इस टाइप के रहेगा, एक तो डेट रहेगा, एक टाइम रहेगा, ड्यूरेशन, जैसे डेट पर हम डेट भर लेंगे किस डेट के हो रहे हैं, टाइम पे क्या करेंगे, एक सेकेंड, टाइम पे जिस टाइम हम चालू कर रहे हैं, ठीक है, वो टाइम आ जाएगा सबसे पहले, तो 0:00 वही हो जाएगा, ये सब कुछ सेट कर दिया, और 3 बजे हम चालू कर रहे हैं, ठीक है, मतलब फर्स्ट मिनट में चालू कर रहे हैं, फर्स्ट मिनट से आप प्रेशर जो दे रहे हैं ना 30 kg/cm² दे रहे हैं, ये उस आपका हाइड्रोलिक जैक के ऊपर है। जैसे आप प्रेशर दे रहे हैं, तो ये आपकी जो है लोड जो है ना 2.4 टन में आ रहा है, ठीक है, 2.4 टन दिया, तो आपकी जो डेल केज का जो रीडिंग है 0.01 और 0.02, दो डेल केज है तो दोनों में आ रहा है, ठीक है। तो उसकी जो एवरेज है, जैसे कि यहाँ पे ले लेते हैं, ये 0.03 हो जाता है एवरेज, 0.0015, 30 मिनट्स के बाद भी, ठीक है, तो सेम लोड रह रहे, जैसे एक लोड देकर 30 मिनट्स उसका वेट करेंगे, ठीक है। तो जैसे कि 2.4 लोड दिया, तो उसके बाद 30 मिनट्स मतलब 30 मिनट्स वैसे आपको रखना पड़ेंगे, तभी देखना पड़ेगा, उस टाइम में भी दोनों में सेम डेल केज में रीडिंग है। कुछ देर के बाद दोनों में अलग अलग होगा, आप देख सकते हैं, जैसे पहले क्या था 0.15, 0.13, यहाँ पे 0.19, 0.15, 0.15, क्यों, जैसे पहले आप लोड देते वक्त और देने के एक आधे घंटे के बाद वो डिफर होता है, ठीक है। तो इससे आपके यहाँ पे एक एवरेज हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस भी हम लिखते जाते हैं। इस टाइप की जैसे 2.4, 4.7, 7.1, 9.4, इस टाइप का हम लोड बढ़ाते जाते हैं आधा आधा घंटे का बाद में, ठीक है, वो ध्यान रखना पड़ेंगे आपको, आधा आधा घंटे के बाद ही आपको बढ़ाना पड़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे आप लोड दे रहे हैं, उसके बाद आधा घंटे आपको छोड़ना भी पड़ेगा, फिर लोड देंगे, फिर आधा घंटे छोड़ना पड़ेगा, इस टाइप की देखते जाते हैं। तो लास्ट में आपको क्या आ रहा है, जैसे कि हम यहाँ तक आगे, जैसे यहाँ पे 23.9, 26.3, 28.7, 30.2, तो 30 टन तक हमने आ गया, तो हमारा उस टाइम की जो डेल के जीरिंग है 0.78, 0.85, तो आपकी जो एवरेज देखते हैं इसका 0.815, इसके मतलब है इसके जो डिस्प्ले 0.815 है, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद रिलीज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप इसको भी आप देख लीजिएगा, क्या जो ऊपर जो है ना, डेट, टाइम, ड्यूरेशन, प्रेशर, अप्लाइड लोड, ये सब आप अपना नोट करके, नहीं तो अपना जो भी अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है, जो एवरेज सेटलमेंट है यहाँ पे, और डिफरेंस और रिमार्क्स, यहाँ पे जो भी आपका सिग्नेचर जिसका चाहिए, क्लाइंट, कॉन्ट्रैक्टर, जो भी इंजीनियर का चाहिए वो ले सकते हो, ठीक है। इसके बाद क्या है, यहाँ पे डेट आएगा, जैसे इसमें ये रिलीज करेंगे, ठीक है, इसमें क्या ड्यूरेशन में ये 15-15 मिनट के बाद, ठीक है, जैसे कि 9:45 पे ये हुआ है, जैसे रात में 9:45 पे जैसे लोड कम किया है, जैसे 30 टन से 28.7 करा है, ठीक है, फिर 15 मिनट छोड़ देंगे, उसके बाद 10 बजे, ठीक है,
10 बजे करेंगे, फिर 10:30 10:30 इस टाइम की जो रात में हम कर रहे हैं जो ये जो है, ठीक है, इस टाइम की लोड रिलीज करते करते उस टाइम में आपके डिस्प्लेसमेंट चेक करेंगे। तो अब लोड रिलीज करेंगे तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो पहले हुआ था वो कम भी होगा ना, वो कम होते 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 आपका क्या हो रहा है, जैसे 0.22 और 0.4 होना रहा है, तो दोनों क्या हो रहे हैं 0.315। यही है दोस्तों आपको यहाँ पे मैंने चार्ट में जो दिखाया ना, यही है। आप देख सकते हैं जैसे लोड बढ़ते गया तो आपका डिस्प्लेसमेंट बढ़ते गया, ठीक है। जैसे ये डिस्प्लेसमेंट है, ये लोड है, एक्स एक्सिस में लोड है, वही एक्सिस में आपका डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट बढ़ते गया तो कम होने के बाद 0.315 में, जैसे कि 0.4 है, 0.2 है, बीच में 0.3 थोड़ा सा ज़्यादा है, तो 0.315 में जाकर रुका है। इसका प्रोसीजर क्या है यार, जो मतलब अब जो लिमिटेशन कह रहे हो ना कितना एमएम तक होना से ठीक है, वो सभी देख लेते हैं। पहले तो आपका कवर पेज जिस टाइप के रहेंगे, जो भी प्रोजेक्ट नेम रहेगा, क्लाइंट नेम और कॉन्ट्रैक्ट नेम, ये सब कुछ आ जाएगा। उसके बाद इंट्रोडक्शन, फाइल डिटेल्स, टेस्ट इक्विपमेंट रहेगा, फील्ड टेस्टिंग एंड कंक्लूजन्स रहेगा, ठीक है, लोडिंग अनलोडिंग सीक्वेंस रहेगा, लेटरल लोड टेस्ट डेटा रहेगा, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ रहेगा, ठीक है। ये सबसे लास्ट में हमने देखा था ना फिगर, लोड वर्सेस डिफ्लेक्शन ग्राफ ये है, और लेटरल लोड टेस्ट डेटा, लोडिंग अनलोडिंग सीक्वेंस, ये सब हम अभी जो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन में ये कौन सा कंपनी, कौन सा कंपनी के लिए करा रहे हैं वो सब कुछ आ जाएंगे, ठीक है। कौन सा डेट में करा रहे हैं, ये जो कौन सा आईएस कोड के आसपास ये कर रहे हैं, IS 2911, ठीक है, मैं ये कर देता हूँ, ठीक है, IS 2911 पार्ट 4, IS 14593, ठीक है। इस मद्रास स्टेटमेंट के बारे में ये जो पाइल रिपोर्ट रहेगा, ठीक है, पाइल का डिटेल क्या है वो यहाँ पे आ जाएंगे। जैसे 1200 एमएम का पाइल है, RCC पाइल है, बोर्ड पाइल है, ठीक है, यहाँ पे आ गया। और उसके बाद पाइल लोकेशन यहाँ पे आ गया, P1 और P2 के बीच में बोरवेल 17,000। पाइल लेंथ यहाँ पे आ गया, पाइल डायमीटर आ गया, वर्किंग लोड क्या 12 टन है, टेस्ट लोड हम ढाई गुना, क्योंकि फैक्टर सेफ्टी 2.5 के हिसाब से हम टेस्ट लोड जो है हम ज़्यादा ही देख के उसमें टेस्ट करेंगे, तो 2.5 टाइम्स मल्टीप्लाई अगर 12 × 2.5 तो 30 टन आ जाएगा। कॉन्क्रीट ग्रेड है और जैक कैपेसिटी क्या 30 टन हमें लोड देना है, तो जैक कैपेसिटी यहाँ पे 59 है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे जैक एरिया है, टेस्ट है क्या है, इनिशियल लैटरल लोड टेस्ट है, ठीक है। अब क्या टेस्ट इक्विपमेंट में आता है, ये क्या है, हाइड्रोलिक जैक है, ठीक है, मेनली जो हाइड्रोलिक जैक है। और उसके बाद आपका 2 डायल गेजेस, ठीक है, हैविंग लीस्ट काउंट 0.01 mm, ये दोनों आपका रहता है, ठीक है। और जो डायल गेजेस है आपका डेटम बार उसमें अटैच रहता है, ठीक है, जैसे मैग्नेटिक स्टैंड के साथ, ठीक है। फील्ड टेस्टिंग में क्या है, जो लोड है वो 20% मतलब इंक्रीज करेंगे ना, वो 20% करके इंक्रीज करते चलेंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS 14593 में क्या है, आपका 50% लोड में, ठीक है, 50% आपकी फाइनल लोड, क्योंकि फाइनल लोड आपका 30 टन है, तो 15 टन में टोटल डिफ्लेक्शन 8 mm तक जा सकता है, ठीक है। और फाइनल लोड एट विच टोटल डिस्प्लेसमेंट करस्पॉन्ड्स टू 4 mm, आपका फाइनल लोड देने के बाद 4 mm से ज़्यादा आपका लोड डिस्प्लेसमेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा तो यहाँ पे 0.315 था, तो सेफ है, ठीक है। तो आपके जैसे पाइल टेस्ट फाइल में क्या कर रहे हैं, 2.58 टाइम्स हम ये कर रहे हैं, ठीक है, हमारा जैसे 0.815 तक जा रहा है, तो जैसे 4 mm से कमी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हमारा ये सेफ है, ठीक है। यहाँ पे हमने जो ग्राफ में भी वो दिखा दिया, अब जैसे टेबल में ये कर लेते हैं, ठीक है। हमारा ये क्या है, जो साइकिल से जो लोडिंग अनलोडिंग का जो चार्ट जो है ना, ये है जैसे कि लोडिंग है या अनलोडिंग है, ठीक है, हमारा कितना प्रेशर देंगे तो कितना लोड होगा, क्योंकि वो जो जैक का सबका पहले फिक्स होगा, 30 kg/cm² प्रेशर देंगे ना, तो आपका ये रहेगा 2.4 टन रहेगा, ठीक है। पहले क्या करेंगे, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ ताकि सारे दिख जाएगा, ठीक है। जैसे प्रेशर बढ़ते जाएंगे तो आपका लोड भी बढ़ते जाएगा, 30.2 टन तक जा रहा है, ठीक है। उसके बाद आपके यहाँ पे प्रेशर फिर कम करेंगे, कम करते जाएंगे तो लोड भी आपका कम होता जाएगा, इसी के हिसाब से करस्पॉन्डिंग आपका क्या डिस्प्लेसमेंट है वो आपका, जैसे कि यहाँ पे हम नोट करते जा रहे हैं, ठीक है, ये हमने पहले देख लिया जो भी आपका चार्ट है ना जो रीडिंग के लिए। अब आप इस टाइप के एक फॉर्मेट रखे रीडिंग लिख देंगे, उस रीडिंग के हिसाब से एक ग्राफ बन जाएगा। यही है दोस्तों, यही है आपका जो लेटरल पाइल लोड टेस्ट होता है, ठीक है, इसके हिसाब से आपको देख सकते हैं। और आपका जो IS कोड है जो हमने इसमें जो बताया वो भी आप रेफर कर सकते हैं, इसमें आपको कोई भी अगर रेफरेंस चाहिए, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कितना होना चाहिए उसके लिए आप ये कोड बुक जो है IS कोड हमने जो बताया वो आप इसमें रेफर कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू दोस्तों,
हाँ यार, बहुत लोग इस पे क्या है ना, वीडियोस देखते हैं और इसमें क्या करते हैं कि सब्सक्राइब नहीं करते। इससे क्या होता है कि जो नेक्स्ट वीडियो जो हम इसमें अपलोड करते हैं तो आपके तक पहुंचते नहीं है। तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करना यार, बहुत लोग देखते हैं, क्योंकि मैं जो देखता हूँ ना, देखने वाले बहुत होते हैं लेकिन सब्सक्राइब करने वाला बहुत कम है। तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक कर लेना अगर आपको ये वीडियो पसंद आया। तो आपका ये डिटेल अगर यूज़फुल हुआ तो लाइक कर लेना, और आपके दोस्त के साथ, जूनियर स्टूडेंट सीनियर किसी के साथ भी, ठीक है, जिसके ज़रूरत है उनके साथ जरूर शेयर कर लेना। थैंक यू दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे, बाय, टेक केयर।